हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, उत्तर प्रदेश में MLC का चुनाव था जिसके नतीजे आज घोषित किए जा चुके हैं और फाइनल नतीजा आ गया है MLC चुनाव का उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, अगर हम आज की बात करें चुनाव की खास बातों की, तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की, तो मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 36 सीटों पर MLC के चुनाव हुए थे और 36 सीटों के रिजल्ट की बात करें तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। BJP के खाते में 33 यानी 33 सीटें गई है। वहीं हम बात करें जनसत्ता दल की, तो इसके खाते में एक सीट गई है और दो सीटें जो है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीता है। समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के खाते में भी कोई सीट नहीं गई। लेकिन चौंकाने वाली सबसे बात ये रही, वहीं हम वाराणसी MLC सीट की अगर हम बात करें तो वाराणसी जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। तो वाराणसी की अगर हम बात करें तो इस सीट पर BJP के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल की, जिनको 4,234 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 345 वोट मिला और भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर सुदामा पटेल को केवल 170 वोट मिला। तो इस तरीके से यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में BJP की बड़ी हार हुई।